भगवान भगवान तो रोक सकते थे, लेकिन भगवान ने दिखाया कि अगर साला घर में रहेगा तो मैं भी नहीं रोकूंगा। शिक्षा के लिए भगवान तो कुछ भी कर सकते। भगवान धर्म की स्थापना ज्ञान देने के लिए ये सब करते रहते, योजना बनाते रहते। तो इस प्रकार से घर में साला और गली में नाला दुर्गंधी है। तो धुंधुली ने अपनी बहन को सारी बातें बताई कि बहन तू ऐसे झूठ बोलना, मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे करना, और क्या करूंगी जैसे जैसे महीना बीतेगा, एक एक दो दो महीना मैं अपने पेट में कपड़े बांधते जाऊंगी या कुछ बर्तन या कुछ फल रख के अपना पेट बड़ा करते जाऊंगी, ताकि मेरे पति देव को लगे कि गर्भ बढ़ रहा है, उनको संतान होने वाला है। और जब नौवा महीना होगा तो तेरा बच्चा मैं अपने पति को दिखा दूंगी और बदले में तुझे जो संसार का चीज चाहिए दे दूंगी, लेकिन मुझे ये गर्भ नहीं चाहिए जो ब्राह्मण के द्वारा फल मिला। बहन तैयार हो गई। संसारी लोग मुंह माया में पड़ जाते पैसे के चक्कर में। आज पूरा संसार जो मेहनत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गंदे काम कर रहे हैं, कलयुग बन के घूम रहे हैं, असुर राक्षस जैसे बन रहे हैं, पूतना और सुपर नखा जैसे बन के घूम रहे हैं, ये किस लिए घूम रहे हैं? पैसे के लिए और लोभ के लिए, लालच के लिए, भोग करने के लिए। तैयार हो गए और धुंधुली ने क्या योजना बनाई अपने पति देव को, कहा पति देव ऐसे मैंने सुना है कि जब तक गर्भ रहता है स्त्री अपने पति से दूर रहती है, तो इस प्रकार से वो अलग रहने लग गए बहन के साथ और पति अलग कमरे में रहने लग गए, ताकि मालूम ही नहीं पड़े कि गर्भ है भी कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, और ढोंग करके अपना पेट बढ़ा रहे थे। इस प्रकार से समय बीतने पे उसकी बहन को एक बेटा हुआ और उसको उसने गोद ले लिया धुंधुली ने और अपने पति देव को दिखाया कि प्रभु मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनायक, अनेक अनेक उपाधि से अलंकार से आत्मदेव को उस पुत्र को दिखाया, ये आपका पुत्र है। बहुत प्रसन्न हो गए आत्मदेव और अपने पुत्र को पाके बड़े आनंद में सबको अनेक प्रकार से दान धर्म किया, जिसको जो चाहिए था दिया और उनका जीवन आगे बढ़ने लगा। जब भी उसको दूध पिलाना होता था धुंधुली दूध नहीं पिलाती थी, वो बहन के पास भेजने जाती थी, बहन दूध पिलाती थी, बहन पालती थी, उसका सब साफ सफाई रख रखाव करती थी। और इस प्रकार से धुंधुली अपने सभी सखियों के साथ, दोस्तों के साथ ग्राम तथा प्रपंच निंदा इस प्रकार से जीवन था उनका। समय आगे बढ़ा, जो पुत्र प्राप्त हुआ था धुंधुली ने उसका नाम क्या रखा? धुंधुकारी। क्या नाम रखा? धुंधुकारी। धुंधुली का बेटा धुंधुकारी। धुंधुकारी जैसे जैसे बड़ा हुआ, बहुत बहुत क्या हुआ, इतना बदमाश हुआ, इतना बड़ा पापी हुआ कि जिसकी वर्णन कल्पना भी करना मुश्किल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट महापापी हुआ और बड़ा होने लगा। ठीक उसी समय वो जो घर में गाय थी, वो गाय एक बच्चा पैदा उनको हुआ, उस गाय ने बच्चा उत्पन्न किया। जो बच्चा कैसा हुआ, पूरा शरीर आदमी का था, सिर्फ उनके कान जो थे बड़े बड़े गाय जैसे थे। कैसे थे? पूरा शरीर मनुष्य का था
कान गाय के थे बड़े बड़े, तो उनका नाम आत्मदेव ने क्या रखा? गोकर्ण रखा। तो गोकर्ण महाराज उस गाय से उत्पन्न हुए, उसलिए उनका नाम गोकर्ण हुआ। इधर गोकर्ण महाराज बड़े हो रहे थे, इधर धुंधुकारी बड़ा हो रहा था। गोकर्ण महाराज परम शुद्ध वैष्णव, हमेशा हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये धुंधुकारी उसके जस विपरीत, जस उल्टा, ठीक उल्टा, हर प्रकार के पाप, एक भी पाप जो आपने सुना वो बाकी नहीं, भयंकर पापी, उत्पाती, दिन भर नशे में, हर प्रकार के मांसाहार, जुआ, सट्टा, अनेक प्रकार के बेविचार, कई कई स्त्रियों का संग, झूठ तो बात बात में बोलना, इस प्रकार से भयंकर पापी हुआ। और गोकर्ण महाराज एकदम भगवान के शुद्ध भक्त हुए। जैसे जैसे बड़े हुए, उनका मन भागवत, रामायण, गीता, अनेक प्रकार के ग्रंथों को उन्होंने कंठस्थ याद कर लिया, पूरा उनको याद हो गए। और हमेशा तीर्थों में भ्रमण करना, ब्राह्मणों को दान देना, सत्कर्म करना, सत्संग में जाना, वो स्वयं कथा करते थे, कथा आयोजित करते थे, ब्राह्मणों वैष्णवों शहर को लोगों को बुला के कथा करते थे, उनको पाप प्रसाद देते थे और खूब धन्य धान उनको देते थे। इस प्रकार से गोकर्ण महाराज का जीवन था। इसी समय गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा में थे। अब धुंधुकारी बहुत 25 साल जितना हो गया था और इतना पाप में लिप्त हो गया था कि आए दिन अब वो माता पिता को पीटने लगा, आत्मदेव को और धुंधुली को पीटने भी लगा। किसके? पैसे के लिए। रोज पैसे मांगता था और जब नहीं देते थे तो पिटाई शुरू किया। इसी पिटाई के कारण आत्मदेव एक दिन कुंठित होके, दुखी होके, बिचारे अपना शरीर छूट गया उनका, पिता दुख के मारे उनका शरीर छूट गया। शायद इस सत्संग में बहुत सारे आत्मदेव होंगे, कोई माता के रूप में होगी, कोई पिता के रूप में होंगे, जिनके बच्चे बड़े उत्पाती होंगे, एक मैं सुनते होंगे। माता पिता ने आपको दुनिया दिखाया है, ये जो आनंद उठा रहे हैं संसार का, माता पिता ने दिखाया है। जब भी पैदा हुए ना, वो उसका पेट फटा था, दर्द में थी, हो 4-5 दिन तक डॉक्टर खाने को नहीं देते हैं, बहुत दर्द होता है, लेकिन अपना दूध पिलाते हैं आपको जिंदा रखने के लिए। अगर उसी टाइम मारने की गला दबा के तो संसार में आनंद करते क्या? धुंधुकारी एकदम अधम हो गया, नराधम हो गया, एकदम माँ बाप को पीट पीट के बाप को तो भेज दिया उसने, उनका शरीर छोड़ दिया। और अब माँ को क्या करता था मालूम है? माँ को जलाठी से मारता था। जलाठी, जलाठी समझते? जलाठी कौन कौन जानते? जो घर में चूल्हा होता है ना, पुराने टाइम में गैस नहीं होते थे, चूल्हे लकड़ी के चूल्हे, मोटे मोटे लकड़ियां जलाई जाती थी, वो जो जलता हुआ लकड़ी है वो उसको जलाठी बोलते। वो जलाठी लेके धुंधुकारी धुंधुले को पिटाई करता था, पैसा दे, नहीं है तो सोना बेच के दे, अपना हार बेच के दे, अपना घर बेच के दे, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाना है, मुझे अपने प्रेमिकाओं के साथ जाना है, मुझे अनेक प्रकार का शराब और मांसाहार पाप करना है। और अनेक प्रकार से पिटाई करके माँ से पैसे लेता था। एक दिन इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, बिचारी दुखी हो गई। और रात के अंधेरे में सोची एक घर छोड़ के चली जाती। घर के अंदर कुआं होता था पुराने जमाने में, सभी घरों में, वो कुएं में गिर के मर गए। क्या हो गए? घर के अंदर जो कुआं था अंधेरे में दिखा नहीं, मन दुखी था, मन दुख में,
कभी भगवान भजन में भगवान की याद आए नहीं, कुएं में गिर के मौत हो गई, माँ बाप चले गए, अब धंधोकारी और भयंकर पाप करने लग गया, हमेशा नशे में, हमेशा मांसाहार, कई कई स्त्रियों का संग और उसी में डूबा रहता था। उन स्त्रियों ने सब धन लूट लिया उसका, सब ले लिया। अब उनको कहती थी मुझे आभूषण दो, मुझे कपड़े दो, मुझे होटल में खिलाओ, अब पैसा नहीं है, खत्म हो गया। अब वो बाहर जाता, कहीं कहीं चोरी करने लग गया, चोरी करके लाके देता था। जब हमारे बुरे रथ हो जाते, आदत पर जाता है बुरे काम करने के, चोरी करने लग जाते हैं। किसी किसी को है ना नशे की आदत रहती है, ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर बहुत लोगों को जानता हूँ, नशे की आदत रहती है। 8-9 बजा अब वो रुकेगा नहीं किधर भी, अब वो जाएगा नशा करने, पैसा नहीं रहेगा इसको फोन करेगा, अरे यार चलना कि मेरे पास नहीं तो पिला दे, नहीं तो कुछ चोरी करेगा, नहीं तो कुछ और करेगा, लेकिन वो करेगा। आप में से कोई है ऐसे? मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप लोग बड़े अच्छे हो, मैं जानता ही नहीं। और महात्मा लोग कह रहे थे बड़े अच्छे हो, नीचे जाकर पिएंगे, जब तक ये सब नहीं छू गए भगवान मिलने वाले नहीं, ये वृत्तियां त्यागनी पड़ेगी, कंडीशन है, शर्त है। भगवान कहते गीता में सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम कर्म सर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं सभी पापों से उद्धार कर दूंगा। धर्म मत, ये सब जितने पाले हैं ना अलग अलग जो धर्म गंदे गंदे, उनको त्यागो और सिर्फ म्याम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आओ, माम एकम सिर्फ मेरी शरण में। अनेक प्रकार के धर्म पाले हुए लोगों ने, अनेक मंदिर, अनेक मठ, अनेक किताब, अनेक ग्रंथ, गुरु बाबा, भागवतम नहीं पढ़ते, सिर्फ भागवतम में भरोसा नहीं, भगवान जगन्नाथ कृष्ण में भरोसा नहीं, अनेक अनेक ग्रंथ पढ़ते, अनेक अनेक प्रकार का पूजा पाठ यज्ञ हवन तंत्र मंत्र षड्यंत्र इसमें मन लगा हुआ है। कुछ नहीं होगा संसार में, नहीं और कुछ नहीं होगा, भोग मिलेगा और अंत समय में नरक मिलेगा। 28 प्रकार के नरक है, 28 प्रकार के, उसमें लिखा है कि जो बहुत सुंदर कमाते मेहनत करके, मेहनत से ईमानदारी से, किसी प्रकार का झूठ छल पाप नहीं करते और अपना परिवार पालते हैं, समाज में अच्छे से रहते हैं, ऐसे जीव भी अगर भगवान का भजन नहीं करते, भगवान को भोग लगा के नहीं खाते, भगवान का दर्शन कथा सत्संग भक्तों का संग नहीं करते, वो भी नरक में जाएंगे। इसीलिए तो नरक को पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा बनाया, नर्क से मृत्यु सिर्फ उनको है, मुक्ति उनको है जो भगवान भजन करते हैं, जो भागवत रोज पढ़ते हैं, नित्यम पीते हैं रोज रोज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो धुंधुकारी था बहुत भयंकर पापी हो गया और अब घर में सबको रखने लगा, चोरी करके लाता था उनको देने लगा। अब जो घर में रखे थे 5-10 स्त्रियों को जो एकदम मलिन थी, उन सब ने आपस में विचार किया, अब इसके पास कोई धन दौलत संपत्ति नहीं है, सब खाली हो गया, ये रोज रोज चोरी करता है, एक दिन राजा पकड़ेगा इसको, दंड देगा, सजा देगा, पूछेगा, हम लोग का नाम बता देगा, हम लोग भी पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा है इसका सब कुछ लूट लो और इसको मार के चल दो यहाँ से।
ऐसे योजना बना के सभी स्त्रियों ने रात को उस धंधुकारी को बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, दिखावे के लिए बहुत प्रेम किया। जब वो बहुत नशे में हो गया, हाथ पैर उसके उसी बिस्तर में बांध दिया और उसके बाद उसको जहर दे दिया। क्या क्या जहर दे दिया, और जहर से भी मरा नहीं। जब जहर से मरा नहीं तो लकड़ी जलती हुई निकाला चूल्हे में से और उसको इतना लकड़ी मारा मुंह में ठूस ठूस के, ये पूरा मुंह उसका गर्दन तक चूल्हा बना गया चूल्हा। जब वो जल के मर गया, सब कुछ समेटी और भाग गई। सास ने आज्ञा शिक्षा दे रहा है, कभी भी व्यभिचार में मत पड़ना, सब लुट जाएंगे। कभी भी इंद्रियों सुख में मत पड़ना, शरीर में पांच इंद्रिया या छठा इंद्रियों का स्वामी मन ये उसी स्त्रियों जैसे हम लोग को लूटते हैं। आप कहता दिखाओ, हम कितना भी दिखा रहे संतोष नहीं हो रहा है। काम कह रहा है सुनाओ, हम कितना भी सुना रहे संतुष्ट नहीं हो रहा है। एक जीवा कह रहा है खिलाओ, तन तन के हिसाब से खा चुके, अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ। और एक नाक कह रहा है सुनाओ, अनेक परफ्यूम सुनते हैं, अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए हम लोग परफ्यूम नहीं लगाते। जब कोई हार या फूल लेता है तो सुनते हैं और माथे में लगाते हैं और आंखों में लगाते हैं, माथे और आंखों पे। ये जो भगवान का हार है चढ़ा हुआ, उनके चरण का ये प्रसाद है। जब हम नाक में सुनते तो नाक शुद्ध हो जाता है, कान से कथा सुनते तो कान शुद्ध हो जाता है, आँख से भगवान और भक्त को देखते तो आँख शुद्ध हो जाता है। शरीर से जब भक्तों को कोई हमारे भक्त कोई प्रभु आलिंगन होते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। और जब हम चिंतन मनन मनोरथ करते भगवान का, कथा का, कीर्तन का, तो ये मन शुद्ध होता है, भगवान के चरण में लगते। जब तक ऐसा नहीं होगा, अंदर ही पांच स्त्रियां जो हमें लूटने के लिए बैठे और हम लूट रहे उनके द्वारा और एक मन के द्वारा, इनको शुद्ध करना होगा। यही बात कह रहे हैं, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, भागवत शास्त्र की प्राप्ति नहीं होगी। भागवत शास्त्र में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए गोपियों ने कहा, मैंने अपना मन गोविंद को दे दिया है। क्या दिया है? मैंने अपना मन गोविंद को, उद्धव जी को डांट दिया। अरे उद्धव, मैंने तो सुना था तू परम विद्वान है, सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन तू तो महामूर्ख है, कह रहा अपना मन भगवान में लगा। एक तो मन तो घर श्याम संग, दूसरा कहा से लाओ। एक ही तो मन था, श्याम को संग चला गया, अब उसी के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक ही तो मन था, वो श्याम संग चला गया, अब दूसरा मन कहाँ से लाओ। तो इन गोपियों से हमें शिक्षा लेना है क्या कि मन कहाँ लगाना चाहिए। गोपियाँ कैसी थी? स्कूल नहीं गई थी, गोबर ठोकने वाली थी। कैसी थी? स्कूल नहीं गई थी, गोबर ठोकने वाली थी, गैया की सेवा करने वाली थी, गैये के बच्चों को पालने वाली थी। इसलिए मन शुद्ध हो गया था, परम ज्ञानी थी और पूर्व जन्म के ऋषि मुनि थी, इसलिए हमेशा मन भगवान में लगा रहता था। तो यह क्या शिक्षा है कि अगर इनसे बचना है, अपने इंद्रियों से, मन से, संसार में जो पुत्र परिजन, ये धन दौलत पुत्र परिजन, ये अच्छी की प्रतीत रहे, ये जो धन दौलत पुत्र परिजन है, ये सब लूट लेंगे आपको। आंख बंद हुआ नहीं, धन कहाँ गया मालूम नहीं, 12 घंटा हुआ नहीं, घर वाले बोलते निकालो इसको, भगाओ, भूत है, घर लगता है, बास आ रही है, अब नहीं रखेंगे। जो अपना कहते थे मेरा पति है,
मेरा पति है जो बात करता था, मेरा सीने का टुकड़ा है, ये मेरा लाल है, अब नहीं चाहिए। घर से बाहर निकाल देते उनको 12 घंटे के अंदर, पत्नी दरवाजे तक जा पाती है जो बहुत बोलती थी मेरा है, जिसके कारण माँ बाप को छोड़ देते हो, दरवाजे तक रह जाती। समाज वाले शमशान तक जाते हैं और ये शरीर चिता पर धुआं बन के उड़ जाता है, क्या बन के धुआं बन जाता है, नवमात्रि में इतना सा राख बनता है, यही शरीर का असली पहचान है, इतना सा राख, जिसको कोई गंगा जी में, कोई यमुना जी में, कोई हरिद्वार, कोई ऋषिकेश, कोई बद्रीनाथ में जाके डुबा देते हैं, उनका वहां पे विसर्जन कर देते हैं, अस्थि विसर्जन। यही हमारा शरीर का सच्चाई है। तो मन को भगवान में लगाइए, शुद्ध पवित्र करिए, संसार से कुछ हासिल नहीं होगा। ये संसार कैसा है, दुखालय है ना, दुखालय है, दुख मिलेंगे। यहाँ पे सुख आनंद उनको ही है जो शिव जी जैसे है, परम वैरागी, परम त्यागी, हरि नाम के प्रेमी, भगवान के प्रेमी। हनुमान जी को दुखी देखा कभी? हनुमान जी कभी दुखी रहते? कभी देखा सूट पैंट पहना हुआ हनुमान जी को देखा कभी सूट पैंट में? कुछ नहीं चाहिए भाई, क्या चाहिए? जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। शिव जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अगर निरंतर भजन करेंगे तो हर प्रकार के विष भी हजम हो जाएंगे, हर प्रकार का विष भी पी लेंगे, हर प्रकार का विषय जो विष से भी खतरनाक है, विष पीने के बाद कई बार लोग बच जाते हैं। संसार भोगी, विषय मतलब संसार भोगी, संसारी, मायावादी, धुंधुकारी, वो बच नहीं सकते कभी भी। तो शिव जी विषय और विष दोनों को पी गए, किसके कैसे? भजन के बल पे। जो भजन करेगा वो विषय और विष को भी पी जाता है, उसके लिए विषय और विष, मीराबाई विष पी गए कि नहीं पी गए? भागवतम अनेक गहरी ज्ञान हमें देते भगवान, भागवतम में परम भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी क्या शिक्षा दे रहे कि अगर भजन करेंगे तो संसार का विषय और विष दोनों भी हजम हो जाएगा और निरंतर भजन कर सकेंगे। तो इस प्रकार से धुंधुकारी मारा गया उन स्त्रियों के द्वारा, और मरने के बाद क्योंकि अकाल मृत्यु हुई थी, उसका नेचुरल डेथ हुआ था, नहीं हुआ था, उसका मौत अकाल मृत्यु हुई थी, यातना लेकर के हुई थी, तो प्रेत बन गया। क्या बन गया? प्रेत बन गया, प्रेत। तो भूत प्रेत होता है ऐसे भागवतम में लिखा हुआ, इसलिए पक्का मानिए, जादू भी होता है, टोना भी होता है, भूत भी होता है, प्रेत भी होता है, तंत्र भी होता है, और महामंत्र तो सब कल्याण कारक होता है, ये सब होता है, भागवतम भगवान कह रहे हैं ये सब है। लेकिन जो हरि नाम करेगा उस पे कुछ नहीं चलता, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम लोग को कोई भूत प्रेत जादू टोना भगवान कृपा से छूता भी नहीं। हरि नाम की ताकत, ये कंठी की ताकत, ये तिलक की ताकत, ये झोली माला की ताकत, ये भागवतम, ये लड्डू गोपाल की महिमा है। अगर इन सब से छुटकारा चाहिए तो जीवन में धारण करिए आज ही और देखिए, विश्वास के साथ, भ्रम में नहीं, विश्वास के साथ। प्रेत बन गया धनपुरकारी, क्या बन गया? प्रेत बन गया, और उसी घर में रहने लगा। हवा के रूप में जो भूत प्रेत होते ना, ये कैसे रहते? ये स्थूल शरीर है, ये जो पांच महाभूत का शरीर है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं।